ने इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। 16 मार्च को भगवंत मान शपथ ग्रहण करेंगे मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे 16 मार्च को पंजाब में शपथ ग्रहण। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी इस वक्त पंजाब में, और वो लम्हा जिसका इंतजार न सिर्फ पंजाब की जनता को था, आम आदमी पार्टी की सरकार को था, वो आखिरकार तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 16 मार्च को पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे भगवंत मान, वो चेहरा जिसके बिना पर, जिसके चेहरे पर लड़ा गया आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव, और उस चुनाव को न सिर्फ लड़ा गया बल्कि कहा गया कि इस चुनाव में ऐसी तूफान सुनामी आई जिसके आगे कोई टिक नहीं पाया। तमाम पुराने से पुराने कद्दावर नेता और इस बीच सब धराशायी होते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेंगे। हमारे साथ इस वक्त विक्रांत यादव सहयोगी जुड़े। विक्रांत, बहुत बड़ी खबर इस वक्त, 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री होंगे जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, भगवंत मान 16 तारीख को शपथ लेंगे और उसके लिए वो आज दिल्ली में आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ये तय किया गया कि 16 तारीख को, 16 मार्च को नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह जो है भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह के गांव में होगा, और इससे पहले 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों नेता मिल करके अमृतसर में एक रोड शो भी निकालेंगे, जिसमें पार्टी को जो जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है, उसको लेकर के पंजाब की जनता का धन्यवाद भी किया जाएगा जी। लेकिन साथ ही एक बड़ा मैसेज दे दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किस तरह से अब वो मुख्यमंत्री का न सिर्फ नाम लेकर चुनाव में उतरेंगे बल्कि इस प्रचंड जीत के साथ आगे सरकार भी बनाएंगे और बेहतर सरकार बनाएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।